हेलो एवरीवन वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर आज तक हमने बोन के बारे में बहुत सी जानकारी ली है जैसे कि बोन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बोन मैरो बोन मैरो के टाइप्स बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर ऐसे बहुत से टॉपिक्स हमने हमारे इस चैनल पे डिस्कस कर लिए हैं और इन सारे वीडियोस की अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसका नाम है ऑल अबाउट बोन्स तो अगर बोन्स के बारे में डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आप ये प्ले देख सकते हो आज भी हम बोन से ही रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बोन सेल्स इस वीडियो में हम बोन सेल क्या होते हैं और बोन सेल के कौन से टाइप्स होते हैं इनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी पूरी बॉडी ये सेल से बनी है हमारी लाइफ सेल से ही स्टार्ट हुई है जब इस सेल का सेल डिवीजन होगा तब बहुत से सेल बन जाएंगे तब उसे हम टिश्यू कहेंगे जब टिश्यू को पर्टिकुलर शेप मिलता है तब ऑर्गन बन जाएंगे और जब ऑर्गन मिलके काम करेंगे तब उनसे ऑर्गन सिस्टम बन जाएगी और ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनेगी वैसे ही अगर पर्टिकुलर बोन की हम बात करें तो बोन भी बोन सेल से ही बने होंगे सो बोन सेल्स आर द सेल्स दैट मेकअप बोन टिश्यू मतलब बोन सेल का जब सेल डिवीजन होगा तब बोन सेल से बोन टिश्यू बन जाएंगे और इन बोन टिश्यूज़ को जब पर्टिकुलर शेप मिल जाएगा तब उनसे बोन बन जाएंगे बोन इज हाईली स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तो बोन ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है जिसके कुछ फंक्शंस है तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है टू प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि ब्रेन हार्ट लंग्स तो ऐसे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम ये बोन करेंगे सेकेंड इसका फंक्शन है टू क्रिएट अ रिजिड फ्रेम फॉर मस्क्यूलर मूवमेंट मतलब हम जो मूवमेंट कर सकते हैं तो उसे मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम ये बोन करेंगे मान लो हमारे बॉडी में से पूरे बोन हम निकाल देते हैं तो क्या हम चल सकेंगे कोई चीज हम उठा सकेंगे या फिर कोई भी मूवमेंट हम कर सकेंगे नहीं ना क्योंकि हमें मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम ये बोन ही करते हैं तीसरा बोन का फंक्शन है टू स्टोर मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फरस तो मिनरल जो कैल्शियम और फॉस्फरस है उन्हें स्टोर करने का काम भी ये बोन करते हैं जिन बोन टिश्यू से बोन बने हैं उनके कुछ टाइप्स भी होते हैं तो अभी हम बोन टिश्यू के टाइप्स डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम बोन सेल के टाइप डिस्कस करेंगे सो बोन टिश्यू का सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू और दूसरा टाइप रहेगा स्पॉन्जी बोन टिश्यू कॉम्पैक्ट बोन ये बोन का एक्सटर्नल हार्ड मटेरियल है जैसे कि इस डायग्राम में देखिए ये है एक बोन की डायग्राम है और बोन का जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो बोन टिश्यू से बना है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू से बना है जिसे कॉम्पैक्ट बोन कहेंगे यही कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ऑल्सो बोन के अंदर जो स्पॉन्जी टिश्यू है उसे भी प्रोटेक्ट करता है सेकेंड जो बोन टिश्यू का टाइप है वो है स्पॉन्जी बोन टिश्यू ये बोन का इंटरनल पार्ट है एंड इट इज लाइटर एंड लेस डेंस देन कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू ये बोन के लिए शॉक एब्सॉर्बर का काम करते हैं तो ये हुए बोन टिश्यू के टाइप्स अभी हम बोन सेल के टाइप्स डिस्कस करेंगे सो बोन सेल के टोटल चार टाइप्स होते हैं पहला जो है वो है ऑस्ट्रियो प्रोजेनाइटल सेल जिसे ऑस्ट्रियोजेनिक सेल भी कहा जाता है सेकेंड है ऑस्ट्रियोब्लास्ट थर्ड इज ऑस्ट्रियोसाइट और लास्ट है ऑस्ट्रियो इनमें से हर एक सेल का यूनिक फंक्शन है जैसे कि ऑस्ट्रियोजेनिक सेल को बोन का स्टेम सेल भी कहा जाता है अब ये बोन स्टेम सेल क्यों है तो जैसे कि आपको स्टेम सेल के बारे में पता होगा कि स्टेम सेल ये यूनिक कैरेक्टर शो करता है मतलब स्टेम सेल से अलग अलग टाइप के सेल बन जाते हैं तो ये बॉडी के स्टेम सेल है वैसे ही बोन के पास भी खुद के स्टेम सेल होते हैं जिसे बोन स्टेम सेल कहा जाता है और उसका नाम है ऑस्ट्रियोजेनिक सेल तो ये ऑस्ट्रियोजेनिक सेल क्या करते हैं दूसरे टाइप के बोन सेल बनाते हैं जैसे कि ऑस्ट्रियोब्लास्ट और से ही आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रियोप्रोजेनाइटल सेल का क्या काम है जिसे ऑस्ट्रियोजेनिक सेल भी कहा जाता है सो so, ऑस्ट्रियोजेनिक सेल आर द स्टेम सेल फाउंड इन बोन टिश्यू तो बोन टिश्यू के अंदर मिलने वाला कौन है ऑस्ट्रियोजेनिक सेल है जो कि स्टेम सेल है मतलब अलग अलग टाइप के बोन सेल ये बना सकता है इट इज इमेच्योर सेल फाउंड इन डीप लेयर ऑफ पेरियोस्टियम एंड द बोन मैरो अगर इसके एग्जैक्ट लोकेशन हमें देखनी है तो ये कहाँ पे दिखता है तो ये बोन का जो आउटर कवरिंग है मान लो ये बोन है तो बोन का जो आउटर कवरिंग है उसे कहा जाता है पेरियोस्टियम ठीक है और इसी बोन के सेंटर में एक सॉफ्ट सौ, सब्सटेंस रहता है जिसे कहा जाता है बोन मैरो तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या रहेगी पेरियोस्टियम एंड बोन मैरो ऑस्ट्रियोब्लास्ट एंड ऑस्ट्रियोसाइट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑस्ट्रियोजेनिक सेल मैंने पहले ही बताया है कि ऑस्ट्रियोप्रोजेनेटर सेल से ही आगे जाके ऑस्ट्रियोब्लास्ट और उसी से आगे जाके ऑस्ट्रियो बनेगा इस डायग्राम में देखिए ये है ऑस्टियो प्रोजेनिटर सेल से बन गई ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट से ही आगे जाके ऑस्टियोसाइट बनेंगे बट जो फोर्थ नंबर का हमने बोन सेल देखा था जिसका नाम था ऑस्टियोक्लास्ट तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोजेनिक सेल से नहीं बनेगा ऑस्टियोजेनिक सेल ये सिर्फ और सिर्फ दो ही बोन सेल को बना सकती है जो कि है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट बट जो ऑस्ट्रियोक्लास्ट है वो ऑस्ट्रियोजेनिक सेल से नहीं बनेगी तब अब सवाल ये है कि अगर ऑस्ट्रियोक्लास्ट ये बोन सेल से नहीं बनी है तो ये किससे बनेगी तो जो ब्लड के अंदर जो स्टेम सेल होते हैं जिसे हिमैटोपोटिक स्टेम सेल कहा जाता है तो हिमेटोपोटिक स्टेम सेल से ये ऑस्ट्रियो बनेगी ठीक है जैसे कि ये डायग्राम देखिए तो ये है ऑस्ट्रियोजेनिक सेल ओके ऑस्ट्रियोजेनिक स्टेम सेल भी बोल सकते हो तो ऑस्ट्रियोजेनिक सेल से क्या बना है ऑस्ट्रियोब्लास्ट बना है और ऑस्ट्रीओ बना है बट जो ब्लड स्टेम सेल है जिसका नाम है हिमैटोपोटिक स्टेम सेल इससे क्या बनेगा इससे बनेगा ऑस्ट्रियोक्लास्ट, ठीक है नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑस्ट्रियोब्लास्ट ऑस्ट्रियोब्लास्ट आर क्यूबॉइडल सेल अरेंज इन अ डेंसली पैक लेयर अलोंग द बोन सरफेस दे अकाउंट्स फॉर फोर टू सिक्स परसेंट ऑफ ऑल बोन सेल्स ऑस्ट्रियोब्लास्ट डू नॉट डिवाइड मतलब ये सेल डिवाइड नहीं करते हैं जैसे जैसे ये बोन सेल मैच्योर्ड होती जाएगी इसके अराउंड बोन मैट्रिक्स ग्रो होगा और इसी वजह से ऑस्ट्रियोब्लास्ट ये सेंटर में ट्रैप हो जाएगा और इसी कारण इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और इसी सेल को अभी ऑस्ट्रियोसाइट कहा जाएगा फिर से समझिए मैंने पहले ही बताया है कि ऑस्ट्रियोजेनिक सेल से ही आगे जाके ऑस्ट्रियो ब्लास्ट बनता है और ऑस्ट्रियोब्लास्ट से ही आगे जाके ऑस्ट्रियोसाइट बनेगा तब ऑस्ट्रियोसाइट क्यों बनी है क्योंकि ये जो ऑस्ट्रियोब्लास्ट है तो इसके साइड में क्या बनेगा बोन मैट्रिक्स ग्रो हो जाएगा और इस वजह से ये जो ऑस्ट्रियोब्लास्ट है ये सेंटर में चली जाएगी अब ऐसे सेल को हम ऑस्ट्रियोब्लास्ट नहीं कहेंगे इसे हम कह कहते हैं ऑस्ट्रियोसाइट नाउ फंक्शन ऑफ ऑस्ट्रियोब्लास्ट द फंक्शन ऑफ ऑस्ट्रियोब्लास्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू तो ये न्यू बोन टिश्यू को बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन सो इस वजह से ये बोन टिश्यू को बना सकते हैं ऑल्सो इसका सेकेंड फंक्शन है इट सीक्रेट्स अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग कोलेजन वेरियस प्रोटीन कैल्शियम सॉल्ट एक्सेट्रा तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस को ये सीक्रेट भी कर सकते हैं और कंबाइनिंगली ये सारे सब्सटेंसेस बोन मैट्रिक्स को बनाते हैं और यही बोन मैट्रिक्स बोन के स्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट करते हैं तो ये होता है ऑस्ट्रियोब्लास्ट नेक्स्ट बोन सेल का टाइप है ऑस्ट्रियो ऑस्ट्रियोक्लास्ट आर लार्ज सेल मेन फंक्शन इज टू डिजॉल्व एंड रीएप्स ऑफ बोन टिश्यू मतलब ऑस्ट्रियोक्लास्ट ये बोन टिश्यू को डिजॉल्व करने का काम करता है अब ऐसे ये क्यों करेगा मान लो कोई पर्सन है और उसका जो ब्लड है उसमें से कैल्शियम लेवल कम हो गई है तब उस टाइम ये ऑस्ट्रियोक्लास्ट उस पर्सन के बोन को डिजॉल्व करने लगता है ऐसा क्यों करेगा क्योंकि हमें पता है कि बोन के पास कैल्शियम ये स्टोर रहता है तो जब किसी पर्सन की जो ब्लड की कैल्शियम की लेवल है वो अगर कम हो जाती है तो ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करने के लिए बोन को डिजॉल्व करके या ब्रेक डाउन करके बोन का वहाँ से कैल्शियम निकाला जाता है और उस कैल्शियम को ब्लड में डाला जाता है तो यही इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सो ऑस्ट्रियो क्लास कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन एंड री ओल्ड बोन टिश्यू सो बोन को ब्रेकडाउन करने का काम ये ऑस्ट्रियो क्लास्ट करेगा वाइल ऑस्ट्रियोब्लास्ट फॉर्म्स न्यू बोन टिश्यू वही ऑस्ट्रियोब्लास्ट क्या करेगा न्यू बोन टिश्यू को फॉर्म करने का काम करेगा जैसे कि इस डाइग्राम में देखिए यह है ऑस्ट्रियो क्लास्ट तो ऑस्ट्रियो ये बोन को डिजॉल्व करके उसमें से कैल्शियम को बाहर भेजेगा और वो डाल देगा ब्लड में ताकि किसी भी पर्सन की अगर ब्लड में से कैल्शियम कम हो जाए तो वो मेंटेन हो सके और वही दूसरे साइड ऑस्ट्रियोब्लास्ट क्या करेगा वो फॉर्मेशन का, का काम करेगा मतलब बोन को बनाने का काम ये ऑस्ट्रियो करेगा तो ये मिलजुल के काम करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है और लास्ट जो टाइप है वो है ऑस्ट्रियोसाइट द मेजॉरिटी ऑफ बोन सेल आर ऑस्ट्रियोसाइट तो हमारे बॉडी में जो चार टाइप के बोन सेल्स है उसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे ऑस्ट्रियोसाइट विच आर इसेंशियली ऑस्ट्रियोब्लास्ट दैट हैव बिकम सराउंडेड एंड ट्रैप बाय द सब्सटेंस दे सीक्रेट जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जो ऑस्ट्रियोब्लास्ट है ऑस्ट्रियोब्लास्ट के चारों साइड से बोन मैट्रिक्स ये ग्रो होगा और उस वजह से ऑस्ट्रियोब्लास्ट ये सेंटर में आ जाएगी और ऐसे सेल को हम कहते हैं ऑस्ट्रियोसाइट ऑस्ट्रियोसाइट्स अकाउंट्स फॉर 90 टू 95 फाइव परसेंट ऑफ सेल इन बोन टिश्यू तो टोटल तो कितने रहेंगे नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट लाइक ऑस्ट्रियोब्लास्ट दे डू नॉट डिवाइड जैसे कि ऑस्ट्रियोब्लास्ट भी डिवाइड नहीं होते हैं वैसे ही ये भी सेल डिवाइड नहीं होंगे बट दे हैव अ लॉन्ग लाइफ ऑफ अप टू ट्वेंटी फाइव ईयर अब इसका फंक्शन क्या है तो ये बोन टिश्यू के मिनरल कंपोजिशन को मेंटेन रखने का काम करते हैं सेकेंड जो है प्ले अ सेंट्रल रोल इन अ बोन रीमॉडलिंग मतलब ये बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रियोब्लास्ट और ऑस्ट्रियोक्लास्ट इनकी एक्टिविटी रेगुलेट करता है हमें पता है कि ऑस्ट्रियोब्लास्ट ये बोन फॉर्मेशन करता है और ऑस्ट्रियोक्लास्ट ये बोन को डिजॉल्व करता है तो इन दोनों के फंक्शन को ऑस्ट्रियोसाइट मेंटेन रखता है तो ये इसका फंक्शन हुआ यहाँ तक हुए हमारे चारों बोन सेल के टाइप्स जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं ये क्या होते हैं और इनके फंक्शंस क्या है लास्टली मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रियोजेनेसिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है तो ऑस्ट्रियोजेनेसिस को ही ऑसिफिकेशन कहा जाता है तो ये क्या है सो द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑस्ट्रियोजेनेसिस तो बोन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस रहेगी उस प्रोसेस को ऑस्ट्रियोजेनेसिस कहा जाता है दिस प्रोसेस बींग्स बिटवीन सिक्स एंड सेवन वीक ऑफ एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट तो ये जो प्रोसेस है ये कब स्टार्ट हो जाएगी जब एम्ब्रियो ये सिक्स और सेवन वीक का हो जाएगा तब जाके ये ऑस्ट्रियोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी मतलब बोन फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तो ये कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है तो अगर ये इम्पॉर्टेंट लगता है तो आप इसका स्क्रीन भी ले सकते हो तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था अगर यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू